हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देखो या बोर्ड देने जा रहे हैं या आप ढेर सारे एग्ज़ाम कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जनरल साइंस में ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपका है, क्या है सर पहला क्वेश्चंस, कि विच ऑफ दी फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेंड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। कि प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन, अगर लंबे समय के लिए अगर आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या आयरन ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है, तो इसमें क्या बनेगा। मीन्स कि आयरन को जब हम सर लार्ज समय के लिए स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है आपका, ये दोनों ऑक्साइड बनता है, Fe(O) प्लस आपका Fe2O3 बनता है और प्लस क्या बनता है सर, हाइड्रोजन गैस बनता है। मीन्स कि ये दोनों को कम्बिनेशन में लिखें तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्रोडक्ट बनता है और प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस बनता है सर। ठीक है, तो क्या बनता है आपका यहाँ पे Fe3O4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनता है, सी बनता है, Fe3O4 ऑक्साइड बनता है सर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपका बोलता है, ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। फूड मटेरियल के वो प्रिजर्व बचाने के लिए कौन नॉन मेटल का यूज होता है, जो नॉन रिएक्टिव हो सर, जो नॉन रिएक्टिव, इसमें कौन है आपका, नाइट्रोजन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें सर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर टीन लीड एंड मरकरी अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप देखे होंगे, सबसे पहले क्या आता है, पोटासियम आता है सर, फिर सोडियम, पोटासियम सोडियम कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है अल्मोनियम, फिर आता है जिंक, जिंक आयरन, फिर आता है सर टीन, फिर आता है लीड, लीड के बाद आता है हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन के बाद आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद क्या आता है मरकरी, मरकरी के बाद आपका आता है, आपका मरकरी के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर के बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है सर प्लेटिनम। डाउन दी ग्रुप अगर आप जाते हो सर तो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, डिक्रीज करता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका कौन हो गया सर, यहाँ पे पोटासियम हो गया, पोटासियम आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और आपका प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो आपको अरेंज करना है ये चारों में, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर, टीन होगा, उसके बाद क्या होगा, लीड होगा, लीड के बाद क्या होगा तीसरा में, कॉपर, फिर क्या होगा मरकरी। कौन ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है, यहाँ से फिर मिला सकती है, हो सकता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होंगे सीरीज में वो क्या, कॉपर हो, सॉरी टीन होगा, उसके बाद लीड होगा, उसके बाद कॉपर होगा, उसके बाद आपका मरकरी होगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका बोलता है, द मेटल डैट फ्लोट वेन ट्रीटेड विथ वाटर आर। जब वाटर के साथ मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो कौन फ्लोट करता है वो बताना है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है सर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो वाटर से जब रिएक्ट करता है, वाटर पे आप उसको छोड़ते हैं, वाटर पे डालते हैं तो क्या करते हैं, उसके बेस में हाइड्रोजन बबल टैग पे लगता, बबल टैग पे हाइड्रोजन आ जाता है रिएक्शन करने के बाद, और ये क्या करवाता है, वो उसको फ्लोट करवाता है सर। और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाता है, डेंसिटी जो है वाटर से कम हो जाता है, क्यों, बबल के कारण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कौन मेटल जब अगर हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो कौन फ्लोट करता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है फाइव बोलता है कि अल्मोनियम इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स। अल्मोनियम का देखे होंगे कि खाना पकाने वाले बर्तन यूज करते हैं, बनाने में यूज करते हैं इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्मोनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेम। तो कुकिंग मटेरियल यूटेंसिल्स बनाने के लिए कौन प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है कि उसे हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए बना रहे हैं, अल्मोनियम का कौन प्रॉपर्टी। तो ये आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, कंडक्टिविटी है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, खाना पकाने में, कई बर्तन का बनाने में यूज करते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, पहला गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी सही है आपके, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका यूज कोई नहीं है। डक्टिलिटी, वो भी उसका कोई यूज नहीं है।
या हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स कि आपके कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए ये दो पॉइंट को देखा जाता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सर क्या हो जाएगा 1 और 4, कौन ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको अगर 100% सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है पॉलिटेक्निक का, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देख के जाए एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ए वाइट कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक वाइट कलर कंपाउंड आपका बनता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस गिव्स द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, कौन इसमें आपका सही है? क्या है पहले देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है सर? बेरियम हाइड्रोक्साइड से, BaBaOH होल टू इसके साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। क्या बनेगा सर? ये आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं सर, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगाते हैं, यहाँ पे आपको क्या 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन मेरा 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है, मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। कोई आपको दिख रहा है? कोई दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्या, क्वेश्चन नंबर सेवन आपका बोलता है क्या, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए पेलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, एक आप सोडियम के टुकड़ा क्या करती है, वाटर में डाल देती है, तो क्या करता है सर? कैचेज फायर एंड फॉर्म, क्या बनाएगा? सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है सर, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, वही आप वहाँ पे जल जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, और ये क्या कैचेज फायर हो जाएगा, क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। इट कैचेज फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे, कि ये उसमें आग पकड़ लेता है, पानी में जैसे सोडियम को डालोगे क्या आग पकड़ लेता है, और क्या बना लेता है? हाइड्रोक्साइड बना लेता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर एट आपको बोलता है क्या, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन, जब कॉपर देखो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके बना ले रहा है, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ले रहा है सर। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से हम क्या इन्फर्ड कर सकते हैं? यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन को क्या करता है सर? ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? वाटर के फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आपके ये हाइड्रोजन गैस नहीं रखता, किसमें चेंज कर देता है? वाटर में। हाइड्रोजन किसमें चेंज कर देता है? वाटर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप जब कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कॉपर नाइट्रेट और क्या बनता है? हाइड्रोजन, आपके वाटर बनते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, क्या हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन आपका नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपकी नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो क्या करता है? H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? वाटर में कर दे रहा है सर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, किसके द्वारा? नाइट्रिक एसिड के द्वारा, और क्या बना ले रहा है? वाटर का फॉर्मेशन कर ले रहा है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइन आपका बोलता है क्या? देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस गिव्स दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स और सिनाबार, और सिनाबार का क्या होता है? आपका SgH होता है सर, SgS होता है, ठीक है। सिनाबार का फार्मूला जो होता है, और का जो फार्मूला एक क्या होता है, सिनाबार का SgS होता है। क्या करते हैं इसमें? रोस्टिंग करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करते हैं, क्या बनता है? मरकरस या मरकरी ऑक्साइड बनता है, और आपका क्या? सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फिर उसके बाद HgO को क्या करते हैं? सिंपली हीट कर देते हैं सर, फिर उसको हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? आपके Hg बाहर आ जाते हैं, मेटल बाहर आ जाता है। तो सिनाबार टू कन्वर्ट इनटू मर्करिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन, सिनाबार को पहले क्या करते हैं? सिंपली हीट करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या है? फिर उसके हीट अगेन कर देते हैं, फिर आपको क्या हो जाता है? आपका ये मर्करी में बन जाता है सर।
ठीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सिनाबार को पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं रोस्टिंग करवाते हैं सर, रोस्टिंग रोस्टिंग करवाते तो ये क्या मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, फिर उसको हीट कर देते हैं सिंपली तो Hg और O2 में अलग हो जाता है, ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है क्या, द इमेज शोज, ठीक है क्या बोलता है, द इमेज शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो आपको पता है क्या है, एक कैथोड है, कैथोड है, ए आपका क्या है एनोड है, कैथोड में क्या होता है सर, कैथोड में स्मॉल थिन स्ट्रिप लेते हैं, क्या लेते हैं किसका, कॉपर का लेते हैं, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर मड है, कॉपर यहाँ इम्प्योर कॉपर है, इसमें इम्प्योर कॉपर है और इसमें क्या है प्योर कॉपर का स्ट्रिप है। तो क्या होता है सर, इसके प्योरिफिकेशन के समय में यहाँ पे कॉपर 2+ जाके कहाँ पे इकट्ठा होता है, प्योर आपके कैथोड में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और सल्फेट आपके यहाँ पे डिस्की डस्ट, और आपका क्या होता है ये एनोड जो है आपके पतला होते जाता है और आपका कैथोड जो है मोटा, यहाँ पे प्योर मेटल का प्योर कॉपर मेटल यहाँ पे इकट्ठा होता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसमें क्या बोलता है कि देखो वे क्या होता है, वेन करेंट इज द विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग प्योर कॉपर, प्योर कॉपर ऑप्टेन करने के लिए कौन प्रोसेस इसका गुड एक्सप्लेन करता है ये हमें बताना, वेन करेंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपोजिट टू द कैथोड। क्या होता है कि आपके जो प्योर कॉपर है वो कहाँ फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट टू द कैथोड, एनोड से कहाँ डिपॉजिट होता है कैथोड में डिपॉजिट होता है, या वेन करेंट इज पास्ट प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कहाँ पे प्योर कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, नहीं, वेन कॉपर इज पास्ट प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपॉजिट एट द एनोड, एनोड पे भी नहीं होता, कहाँ पे होता है कैथोड पे होता है, वेन करेंट इज पास्ट प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से कहाँ डिपॉजिट होता है आपके कैथोड में डिपॉजिट होते हैं, कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे डिपॉजिट होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से आपकी कहाँ पे इकट्ठा होता है आपके कैथोड में डिपॉजिट होते हैं सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ क्या करवा रहे ऐड कर रहे हैं, इट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, बिना बबल्स बनाए हुए ये क्या वाटर में क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या आपके फॉर्म किए प्रोडक्ट वो बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर तो क्या बना लेता है आपका, क्या बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है सर, CaOH2 बना लेता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या कि ए स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फाइंड इन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन इज बुक एज शोन बिलो, बुक में जो आपका दिया हुआ है देखा कि इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है मेटल को फाइंड, ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो विच ऑप्शंस कंप्लीट दी रिएक्शंस, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है वो आपका बनता है सर मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है MgNO3H+, क्या बनेगा प्लस आपका बनता है सर वाटर बनता है, क्या बनता है प्लस वाटर बनता है, तो आपके कौन ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बन हो जाएगा, कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और क्या बनता है सर वाटर बनता है, क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, देखो रिएक्शन मेरा बैलेंस हो जाएगा, 6 आपका बैलेंस नहीं हुआ, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको बैलेंस करके देखना है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस में क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 13 बोलते हैं क्या, 13 आपको बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, कौन केमिकल रिएक्शन में जा सकता है, आपको पता है क्या ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो मोर रिएक्टिव मेट और जो मोर रिएक्टिव आपकी केमिकल और रिएक्शन वही केमिकल रिएक्शन देगा जो दूसरे मेटल से मेटल कंपाउंड के से वो मेटल क्या होना चाहिए मोर रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव होना चाहिए तभी। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे आयरन से, तो इसमें क्या होगा रिएक्शन नहीं करेगा। आपके जिंक सल्फेट
आयरन, आयरन जो है लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, इसीलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगा। लीड जो है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, कौन लीड है सर, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे देखो आयरन जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखे होंगे तो ये टेबल से आप जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर को बाहर कर देगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि पिक द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट अबाउट नॉन मेटल, नॉन मेटल के अबाउट क्या सही है वो आपको बताना है। तो ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, हाँ ब्रोमीन आपका लिक्विड नॉन मेटल है सर, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जो मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या एसिडिक नेचर है सर, वो भी स्टेटमेंट सही है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सभी सही हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोलता है क्या, ए स्टूडेंट रोट टू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस, एक स्टूडेंट है वो दो इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, तो विच ऑप्शन कंप्लीट दी रिएक्शंस टू फॉर्म ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना है, रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा वो, तो P4 फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, P4O10 बनाता है सर, P4O10 बनाता है, देखो आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, देखो P4 है, ऑक्सीजन 10 है, ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में भी 10 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, P4O10 बनाएगा, एक्स आपका P4O10 हो जाएगा, और आपके जब दो मैग्नीशियम, दो मोल ऑफ मैग्नीशियम एक मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा सर, इको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या लगाना है, यहाँ पे दो लगा देना होगा, देखो दो मोल मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है एक मोल ऑफ ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, दो मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सर, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, P4O10, और आपका वाई क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा, कहीं दिखा, कहीं दिखा, आपको दिखाना है क्या ए सॉलिड में होगा, ए भी क्या सॉलिड में होगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कि व्हेन ए नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर, जब हम नॉन मेटल को अलाउड कर देते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए तो क्या बनता है, तो नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है सर, नॉन मेटल आपके वाटर से रिएक्ट, नॉन मेटल जो है जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, नो प्रोडक्ट आर फॉर्म, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है, एक्वा रिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो, तो कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड और आपका HCl ये दोनों का रेशियो जो होता है सर, ये क्या होता है 1:3 रेशियो होता है, मीन्स कि अगर 1 लीटर नाइट्रिक एसिड है तो 3 लीटर क्या होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है 1:3, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक पार्ट अगर आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो 3 पार्ट आपका क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। इस तरह से हम देखिए सारे क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ सकता है, आपकी जनरल कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आप क्वेश्चंस देख के एग्जाम देने जा सकती हो। थैंक यू।